बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ स्टिच की हुई ये नेट की फ्रॉक जो के एम्ब्रॉयडर्ड है आपके साथ शेयर करूंगी जी। मैंने दो फ्रॉक नेट की स्टिच की हैं और एक फ्रॉक मैंने प्लची की स्टिच की है, तो इसकी वीडियो आपके साथ मुकम्मल शेयर करूंगी। तो इस तरह से मैं इनको हैंग करके इसकी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखें, इस तरह से मैंने इसकी डिज़ाइनिंग की है। यहाँ पर मैंने ऐसे बगल में लैस लगा दी और नीचे लैस लगा दी, ऊपर मैंने ये तीन तीन इसमें बारीक वाले मोती डाले और एक एक ये सतारा डाल दिया इसमें। इस तरह से ये गले पर मैंने लगा दिया सतारा मोती, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। इसी तरह से नीचे जो मैंने फूल बनाया, फूल बनाकर ये दो मैंने छोटा और बड़ा सतारा लगा दिया ऊपर मोती और साइड पर। इसी तरह से एक एक सतारा और एक एक इसके दरमियान में मोती लगा दिया और ये इसका टसल्स बनाकर मैंने यहाँ पर लगा दिया। बाजू मैंने इसके ये फ्लावर वाले बनाए हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। देखिए इस तरह से ऐसे इसकी लुक आ रही है। नीचे से मैंने इसको थोड़ा टाइट कर दिया और आगे इस तरह से इसके मैंने ये सितारे और आगे इसमें मोती डाल के इस तरह से लगा दिए छोटे और बड़े, कुछ इस तरह से इसकी डिज़ाइनिंग की है। तो फ्रॉक का मैं आपको फ्लेयर दिखाऊंगी। इसके नीचे ये मैंने सिल्क लगाई है, जो सिल्क स्मूज आती है वो वाली, और इसके नीचे मैंने लाइनिंग लगाई है वाइट कलर में, ये देखें। और इसके ऊपर आकर मैंने इस तरह से केन लगाई है वाइट कलर की, ये मैंने इसमें लॉन का कपड़ा लगाया है और इसके ऊपर आकर इस तरह से ये केन लगाई है। देखें बहुत ही प्यारी सी रेडीमेड स्टाइल में ये फ्रॉक बन गई है। बैक दिखाऊंगी आपको मैं इसकी, तो बैक पर इस तरह से मैंने टेक बटन कर दी है और इसी तरह से बैक पर भी थ्री लेयर के साथ मैंने नीचे से इसका फ्लेयर रेडी किया है। और इसके साथ ये इसका जामा वर्क का ट्राउज़र है, ये देखें बहुत ही प्यारा सा। तो अब मैं दूसरी फ्रॉक आपको दिखाऊंगी। तो देखें ये फ्रॉक भी बहुत ही प्यारी है, दोनों बहनों की थी एक जैसी। एक पर मैंने इस तरह से डिज़ाइनिंग कर दी, ये मैंने इस पर टिश्यू लगाया है, थ्री लेयर मैंने इस साइड पर लगाई, थ्री इस साइड पर लगाई, तो इस तरह से इस पर लैस लगा दी दोनों साइड पर। और सेम उसी तरह से इसके नेक पर भी सितारा और मोती का काम कर दिया और यहाँ पर भी मैंने सितारा और मोती लगा दिया। उसी तरह से इसके बाजू भी फ्लावर वाले बनाए और बाजुओं के आगे भी ये वाली डिज़ाइनिंग की इस तरह से सितारे और मोती से। और इसका फ्लेयर देखें, इसका भी काफ़ी खुला फ्लेयर है। और इसके नीचे भी मैंने अटल लगाया, ये वाली इसकी सिल्क शमूज लगाई है और इसके नीचे मैंने वाइट लोन लगाकर उसके ऊपर एक कैनकन की एक लेयर लगाई है, ये देखें। तो इस तरह काफ़ी फुली फुली सी रेडीमेड स्टाइल में फ्रॉक बन जाती है। इसकी बैक दिखाऊंगी आपको मैं, बैक दिखाएं देखें इस तरह से। बैक में मैंने सेम इसी तरह से रेडी की है थ्री लेयर के साथ। और इसके तो इसके साथ भी जो जामा वर्क का ट्राउज़र है, तो गैदरिंग के साथ मैंने इस पर चुनर डाली थी। तो तीसरी फ्रॉक आपके साथ शेयर करूंगी मैं। तो देखें ये फ्रॉक भी बड़ी प्यारी है। आगे सर्दी का मौसम आ रहा है, तो नॉर्मल मौसम में ये प्लची वाले कपड़े और नेट के पहने जाते हैं। अगर कोई इवेंट वगैरह आ रहे हैं, अगर शादियाँ आ रही हैं, तो इस तरह से आप बच्चों के डिज़ाइनिंग पर बना सकते हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। तो देखें ये प्लची का मैंने नीचे सिल्क शूज लगाई इसके इस तरह से, और ऊपर मैंने पूरे इसके प्लची लगा दी। गैदरिंग की मैंने चुनर डाली और यहाँ पर मैंने एक फूल बनाकर बटरफ्लाई बनाकर लगा दी। ऊपर मैंने इस तरह से इसकी आगे से पीछे मैंने इसकी टेक बटन की, आगे से मैंने ये थोड़ा सा की स्टाइल में इसकी कटिंग की थी और ये इस पर टसल्स लगा दिए। तो आगे से इस तरह से आप बांधने थोड़ी डिज़ाइनिंग हो जाती है। तो सिंपली इसके मैंने बाजू लगा दिए। तो इसके साथ ये सिंपल सिल्क शूज का ट्राउज़र है, कुछ कैप्री स्टाइल में मैंने स्टिच किया था। इसकी मैं आपको बैक दिखाऊंगी। तो देखिए बैक इस तरह से है, आपके पास इस तरह से दुपट्टे पड़े हैं तो आप बना सकते हैं। गैदरिंग वाली मैंने चुनट बनाई है, इसके नीचे मैंने ये सिल्क शूज लगाई है, ये देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना। अल्लाह हाफिज़।